दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है सरोज ब्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड इधर जो है सिस्टर आए हैं बहुत दूर से, और दोस्तों इनका दुख परेशानी सुनकर बहुत ही कष्ट हुआ, बहुत मतलब अफसोस हुआ। इनके जो बच्चा है इस बच्चे के दिल में छेद है, और बहुत लोग इलाज कराए हैं, दवा कराए हैं, और आराम नहीं हुआ। मतलब जहाँ पे दिल में छेद हो जाता तो बहुत, आप ही बताया कैसे कैसे मेरे बच्चे एकदम ज़्यादा सीरियस हो जा रही है, तो इसका पूरा देह एकदम नीला हो जा रहा था, कैंसरी का डर था, तो एक ऑपरेशन हो गया। अभी दिल का ऑपरेशन बाकी है दोस्तों। गोरखपुर में कोई लोग भर्ती नहीं लेते थे, रिफर कर देते थे। एक ऑपरेशन वहाँ अलीगढ़ से चला रहे हैं, एक ऑपरेशन हो गया, एक ऑपरेशन बाकी है। अभी एक ऑपरेशन कराएंगे, दवा करा के यहाँ पर आए हैं ये दीदी के पास। हेल्प मांगे, बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ मेरा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं। आप लोग आइए, आप लोग का सपोर्ट हो गई है, पर यहीं पर हम आए। बच्चा के लेके परेशान है, हम घर से नहीं आए दोस्तों, हम यहीं गोरखपुर उतरे हैं, गोरखपुर से तब यहाँ पर हम आए। तो दोस्तों हमको भी बहुत अफसोस हुआ, कितना छोटा बच्चा भी इसको देख लीजिए, इसका पैर एकदम पतला है दोस्तों, देख लीजिए। चलो नहीं बकैया भी नहीं चल पाती है। बताए दोस्तों हमको बहुत अफसोस हुआ कि आप सब सपोर्ट कीजिए, आप सबसे हाथ जोड़ रहे हैं दोस्तों, मेरा भी सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल का नाम है अनीता यादव महाराज गनवाले। आप सब इस पे जाइए, देखिए बहुत अच्छा बनाते हैं, घर पे बनाते हैं दोस्तों, कहीं जा नहीं पाते। दोस्तों इनका चैनल मतलब हो गया, इनका चैनल 2 साल हो गया ना, आपका चैनल तो हाँ 2 साल हो गया दोस्तों। मेरे बच्चा का आगे दो पैसा आने लगे, मन लगे नहीं लगा, इमरजेंसी में भर्ती किए सब डाले हैं दोस्तों, आप सब जाके देख लीजिएगा। तो दोस्तों यही सब बात है, और आप लोग या मतलब दया दुआ कीजिए कि बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए। और कुछ नहीं, नहीं चैनल सब्सक्राइब कर पा रहे, नहीं मन करा करें, लेकिन इसके लिए प्रार्थना कीजिए, दुआ करिए कि जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि अभी क्या जानने लायक, अभी इसकी उम्र क्या है, चल नहीं पाती है दोस्तों, 3 साल का हो गया, 3 साल का हो गया है, वही बीमारी की वजह से नहीं चल पा रही दोस्तों। यही सब बात है, बच्चे सब भगवान को कहते हैं क्या किया जाए, कब क्या हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता रहता है दोस्तों। दोस्तों इनका चैनल में सारा सुधार हो गया है, अब रील सब जाएगा इनके चैनल से, इनके साथ इनके चैनल में वीडियो कैट का मारा गया है, रील गया है, ब्लॉग गया है, बोल कर भी डलवाए इनके चैनल में, जितना हमारे करने लायक मदद था दोस्तों सब हो गया, हम कर दिए हैं, सब कुछ सिखाए भी, थंबल बनाना सिखाए हैं इनको, वीडियो जैसे कम वीडियो एडिटिंग करना भी इनको बताए हैं। अब एक दिन में सब कुछ आना ही पड़ेगा, जितना हमारे बस में था दोस्तों सब हम इनको बता दिए हैं, जितना हमारे पास जानकारी था, इनको फिर आना पड़ेगा, अगर नहीं इनको कुछ मालूम रहेगा तो इनको दोबारा आना पड़ेगा, ताकि हाँ फिर हम आएंगे। एक दिन में कोई एक दिन में सब चीज़ बता दो तो दोस्तों सब एक चीज एक ही दिन में सीख सकता है, कोई भी रहे, हम रहे चाहे यहाँ पर रहे, तो एक हाँ कोई भी रहे, एक दिन में कुछ भी नहीं उतना आएगा, थोड़ा बहुत आ जाएगा तो आ जाएगा। तो यही सब बात है दोस्तों, एक दिन में नहीं सीख पाएंगे, उनको फिर टाइम लेकर आएंगे तो फिर इनको और भी कुछ बताना रहेगा, सिखाना रहेगा तो बताएंगे, फिर इनको वीडियो में लाएंगे। और दोस्तों जितना हमारे तरफ से था हम सारा मदद किए हैं, आप भी लोग कमेंट करते हैं दीदी हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारा हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। दोस्तों हम कैसे करेंगे, हमारे पास आप लोग आएंगे तभी जो हमारे करने लायक रहेगा हमारे तरफ से कर देंगे, और जो हमारे पास आता है हम जो हमारे लायक रहता है हम सब करते हैं, जो नहीं आ पाता है तो नहीं कर पाते हैं। अब दूर से कमेंट का जवाब भी दे दिया करते हैं कितने लोगों को, आप ही लोग कमेंट करिए, और पता एड्रेस भी ले लीजिए, नहीं पता एड्रेस है तो नंबर डिस्क्रिप्शन में, उसी नंबर पर कॉल करके आ जाइए, इसी नंबर पर फोन करके आए। कैसे आएंगे भैया के छोटे वाले, इनके भैया के नंबर पर फ़ोन किए हैं तो हम आ गए। तो एक बात है सर दोस्तों, फ़ोन करके आई हैं, हमारा भाई फोन उठाता है, जो देखिए उधर खड़ा है, इधर खड़ा है, तो फोन कर काफी लोग चले आई है, और कोई बात नहीं है जो हाँ आप सब सपोर्ट कीजिए मेरे भी चैनल को दोस्तों, और यही बच्ची का दुआ कीजिए आप लोग, मेरे बच्ची सही हो जाए, अभी दिल का ऑपरेशन बाकी है, अभी 8 किलो को जनाई नहीं है उसको, आप लोग दुआ कीजिए 10 किलो को जनाई हो जाएगा तभी ऑपरेशन करेंगे। तो दोस्तों आप लोग दुआ प्रार्थना कीजिए, सबके बच्चे एक समान होते हैं, चाहे दुनिया को चाहे अपने बच्चे को जैसा, सबके बच्चों को मान जान करना चाहिए, सभी बच्चे एक बराबर है दोस्तों। आप लोग प्रार्थना कीजिए, आप लोग कभी घर बच्चे हैं तो ये भी अपना ही बच्चा समझ कर दुआ करें कि ठीक हो जाए इस बच्चे का भी, जो दुख परेशानी है जो दिल में छेद है सब भगवान के दया से ठीक हो जाए। और देखिए रो रहा है बच्चा, तो वीडियो को एंड करने जा रहे हैं दोस्तों, फिर आगे तो फिर दिखाएंगे, बाय।